नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत 160 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत आज रीवा के पंचम मैरिज गार्डन में सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, नगर निगम कमिश्नर संस्कृत जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। आपको बता दें, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या योजना में सरकार द्वारा वर वधु को 11,000 नगद और 38,000 का सामान दिया जा रहा है, जिसमें अलमारी, पंखा, टीवी इत्यादि सामान दिया जा रहा है। वही विधायक ने बताया कि अभी तक लगभग रीवा जिले में 1,000 सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह कराया जा चुका है। रीवा में नगर निगम की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। बने रहे प्राग एक्सप्रेस न्यूज में, आपकी खबर हमारी नजर। सब लोग दिशा से जल अपने ऊपर सिंचन कर लो। हमारे ऊपर चंदन सरस्वती चंदन चंदन शाम आशुतोष कुमार साकेत। आप बताइए, विवाह में शामिल हो रहे हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? विवाह मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन, विवाह योजना है, शादी हो रही समूह में। सब देखा, प्राइवेट जॉब। आज ये रीवा जनपद एवं नगर पंचायत नगर निगम का सामूहिक जो है कन्यादान विवाह का कार्यक्रम यहाँ पे पंचम पैलेस पे रखा गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और ये मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह है, जो कि जो गरीब बेटियाँ हैं उनके भी समुचित विवाह करने की ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही आदर्श योजना है। अभी कोविड काल में ये थोड़ा सा बंद हो चुकी थी, लेकिन ये पुनः प्रारंभ हुई है। अब बड़े ही उत्साह के साथ है ये यहाँ पे जोड़े विवाह करने के लिए अपने माता पिता, मामा मामी, चाचा ताऊ के साथ, घरात बरातियों के साथ आए हुए हैं, और बड़े ही धूमधाम से विवाह की यहाँ पे प्रक्रिया वैदिक ऋचाओं के माध्यम से, हमारे यहाँ पे 24 आचार्यों के माध्यम से विवाह सम्पन्न कराया जा रहा है। यहाँ पे 40 वेदियाँ बनी हुई हैं, प्रत्येक वेदी पे नंबर पड़े हुए हैं, जोड़े क्रमांक भी हैं, और एक वेदी पे 4 जोड़े बैठे हुए हैं। एक साथ यहाँ पे 160 जोड़ों का विवाह किया जा सकता है। अभी 150 का पंजीयन हो चुका है, आगे भी जो भी जैसा जोड़े आते जाएंगे पंजीयन होगा, उनका भी विवाह संस्कार होगा। नाम बता दीजिए अपना। हमारा आचार्य ऋषिकेश तिवारी है, हमें ये जिम्मेदारी मिली हुई है। हम भी चाहते हैं
कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है इस सबको लाभ मिले और सबको सुंदर अवसर मिले, इसका अधिक से अधिक प्रचार हो और सब इसका लाभ लें। और ये सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रीवा शहर और रीवा जनपद के अंतर्गत लगभग 160 जोड़ों का विवाह बड़े भव्यता के साथ, बड़े ही विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में संपन्न हो रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस शादी में ऐसे परिवार के लोगों की शादी हो रही है जो इतनी भव्यता के साथ इतने ज़्यादा अतिथियों के बीच में शादी करने में सक्षम नहीं होते, उन लोगों को चिन्हित करके और यहाँ पर विवाह हो रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 55,000 रुपये की मदद, जिसमें 6,000 रुपये तो इंतजाम में खर्च होते हैं, 11,000 उनको नकद दिया जाता है वर वधु को, और लगभग 36,000 का सामान है जो उनको दिया जा रहा है, जिसमें चांदी के आभूषण भी हैं, बर्तन भी है, टीवी भी है और पंखा भी है और प्रेशर कुकर भी है और बर्तन भी हैं। इस प्रकार से उनको सामग्री जो उनके गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं लेकिन उसको वो परिवार खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन उनको ऐसा ना लगे कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरी हैं मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ इस योजना को बनाया था। ऐसे परिवार के बेटियों की शादी ठीक से हो जाए इसके लिए, और आज आप देखिए कि कितने भव्यता के साथ 160 बच्चियों की शादी हो रही है और पूरे ज़िले में हर विकास खंड में ये शादियां संपन्न हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में 1,000 से ज़्यादा शादियां संपन्न हो जाएंगी। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, नगर निगम ने विशेष पहल करके और ज़ीरो वेस्ट आयोजन किया है इसको। ये आयोजन जब संपन्न होगा यहाँ पर वेस्ट के नाम पर कुछ नहीं बचेगा, इस प्रकार से ज़ीरो वेस्ट परिकल्पना को ध्यान में रख के इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है जो लोगों को एक प्रेरणा देगा। इतनी शादियाँ होती हैं, शादी के बाद अगले दिन वहाँ पर गंदगी का अंबार हो जाता है, और यदि ज़ीरो वेस्ट के थीम पर कार्यक्रम होंगे तो कार्यक्रम भी होंगे और पर्यावरण को कोई खतरा भी नहीं होगा।